Hey, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Hope you are doing great. Welcome back to the channel. So, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था और मैं काफी टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं और घर शिफ्ट करने के पीछे एक रीजन है, हमारा एक नया फैमिली मेंबर आने वाला है. सो फाइनली टुडे इज द डे व्हेन वी आर गेटिंग आवर न्यू फैमिली मेंबर. एंड जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको डेफिनेटली पता होगा या हिंट होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. तो जिन जिनको पता है वो कमेंट करके बताओ सेक्शन में कि कौन आने वाला है नया फैमिली मेंबर. तो आज हम उसको लेने जाएंगे और जैसे जैसे जो जो स्टेप्स होते हैं यहाँ पे मैं आपको समझाता जाऊंगा एक बार उसको पिकअप करने के बाद. अभी हम एक छोटा सा स्टॉप लेंगे पेट शॉप में, कुछ बेसिक एसेंशियल्स लेने हैं मुझे और उसके बाद हम जाके अपने मेंबर को पिकअप करेंगे. सो विल कीप यू पोस्टेड. यहाँ पे देखो पूरा मॉल बना हुआ है और अगर आप फूड भी देखने जाओगे तो कंप्लीट कंफ्यूजन है, कौन सा डॉग कौन सी ब्रीड क्या खाएगा ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू चूज कौन सा फूड लें. तो हमने क्या किया है, हमने ये एक मीडियम पपीज का मदर एंड बेबी डॉग आता है ये ले लिया है अभी फ़िलहाल के लिए और उसके सैशेज ले लिए हैं. तो उससे चेक करेंगे, अगर वो उसको ये खाना पसंद आता है तो ये देंगे, नहीं तो इसको वापस लेके एक्सचेंज कर लेंगे किसी और चीज़ से. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. टू मंथ्स मोर देन 2 months और इनकमिंग 2 months सर. देखो गाइस क्या इंटरेस्टिंग है, मतलब पेट्स की दुनिया भी पूरी अपने में एक दुनिया है. ये क्या इंटरेस्टिंग सी बर्ड है, सी हर ग्रीन कलर और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हैं. देखेंगे वो पूरा मकाऊ है उधर, देखिए फुल मकाऊ है. वाओ वाओ सी. और यहाँ कुछ रैबिट्स हैं छोटे छोटे. ये अच्छे खासे क्या, कितने सारे कलर्स हैं इनमें. मकाऊ इज ह्यूज, बहुत ही बड़ा है ये, तो झपट्टा मार ले तो काम हो जाए हमारा. ये देखो ये क्या ट्राई कर रहा है, इसने पूरा छेद कर दिया है कप के अंदर. नहीं 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 वो पहले से था. हाय एक और. ये बहुत इंटेलिजेंट. तो गाइस जितने रखो उसमें हैं, यहाँ पे फिशेस भी हैं. अच्छा शॉप है ये काफ़ी. फिशेस के लिए आएंगे हम वापस यहाँ पे तो उस समय और आपको दिखाएंगे कैसा काफ़ी सारे फिशेस. और ये देखिए गाइस डॉगी के बैठने के लिए अलग से सोफा बना हुआ है. क्या क्यूट है भाई, गॉड बहुत ही बढ़िया. और हमने क्या क्या लिया है, हमने लिया है डॉगी का फूड, हमने फूड ले लिया है, रॉयल कैनन का टॉय ले लिया है, एक ब्लैंकेट ले लिया है उसको भी रैप करके लाने के लिए, और ये उसके डाइपर टाइप वो हैं अपना पी पैड्स जहाँ पे उसको सुसु करेगा. और क्या है, और ये वो स्प्रे है जो उसको पैड की तरफ लेके जाएगा सुसु करने के लिए. तो देखते हैं ये सब कितना काम करता है गाइस, लेट्स फाइंड आउट. गाइस तो आपने देखा सामान मैंने बेसिक लिया है अभी उसका, खाना सोना पीना और धोना, तो वो सारे सामान ले लिए हैं और अब जा रहे हैं उसको लेने के लिए. शाम का टाइम आजकल दुबई में पता नहीं क्या हो गया है, इट्स लाइक हर जगह ट्रैफिक मिल रहा है.
हमने उनको 4:30 का बोला था, अभी 5:30 होने वाले हैं और अभी भी यहाँ से 15-16 मिनट दिखा रहा है, तो मतलब वो फुली टाइम से पहुँच जाएंगे और उसको पिकअप कर लेंगे आज। और पिकअप करके फिर उसका एक बेसिक मेडिकल टेस्ट होना है, वो आपको दिखाऊंगा क्या क्या प्रोसेस होता है। और वो बेसिकली जनरल चेकअप है कि आपको यहाँ पे ना कोई भी पपी लेते हैं आप तो आपको अबाउट 48 आवर्स मिलते हैं उसका बेसिक चेकअप करा के ये इंश्योर करने में कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि प्योर ब्रीड चाहे है चाहे नहीं है, बट यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशन उनको जो अभी मिल रहा है उनमें कुछ डेफिशिएंसी हो सकती है जो कि आगे जाके क्रोनिक हो सकती है। तो एक बेसिक चेकअप करा लेना हमेशा रिकमेंडेड होता है, तो आपको भी पीस ऑफ माइंड रहे कि और अच्छा भी नहीं लगता, राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, बट आप कोई नया मेंबर लेकर आओ और उसको एकदम से कोई बीमारी निकले तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट इज़ द आइडिया, टू मेक श्योर कि उसको कोई बीमारी नहीं है, अगर बीमारी है तो पहले पता लग जाए तो उसका प्रॉपर इलाज करा दिया जाए। तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो करेंगे और फिर उसको घर लेके जाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली आप अगले वाले व्लॉग में देखोगे उसको घर ले जाने के बाद क्या क्या बेसिक सेटअप पहले दिन के लिए, फर्स्ट नाइट जो पपी की होती है वो काफ़ी टिकी होती है, क्योंकि वो नए मेंबर्स और नई जगह के साथ एडजस्ट कर रहा होता है, तो कई बार स्लीपलेस नाइट्स भी मिलती है आपको इफ़ यू गेट अ न्यू पपी होम। सो वो सब है, तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी एक्सपीरियंस कीजिए कि एक नए मेंबर को घर पे लाते हैं तो क्या करना पड़ता है। तो आई विल कीप यू पोस्टेड एज वी गेट हिम। हे गाइस, सो अभी जस्ट बात हुई है ओनर से, वो पपी को नीचे लेके आ रहे हैं एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड, नॉट एबल टू कंट्रोल आर एक्साइटमेंट एट ऑल। होपफुली एवरीथिंग गोज एज पर प्लान, तो जैसे ही आता है आपको दिखाते हैं। Thank you.